तीजा पहले फिट किता इसका बॉल फिट किता अंदर बुश है दोबारा मैं खोलिया मटर मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा ताकि मैं वीडियो लोड करना भी सौखा रह जाएगा अदरवाइज यूट्यूब ते वीडियो भी लोड नहीं होंगे ना फिर इसकी नट बोल्ट सारा टाइट करेंगे अपा उसी तरह इसका तीजा बॉल फिट किया जाएगा तीजा बॉल फिट करने तो पहले इतनी सलीब आएगी उसके पहले रख के देखा जाएगा अम्पेलर जो रिंग से ऐसी चीज है टच नहीं करना चाहिए नहीं इसको कट देगा जरूर के अनुसार उसके बाशना पाएंगिया जो तुम फिर मेनटेनेंस कर दो तो इस गल का जरूर ध्यान रखना है नट बोल्ट सारे लगा के टाइट किए जाएंगे तो नट बोल्ट बारे तुम दस दा जब भी करना क्रॉस टाइटनिंग करनी है तुम ना दो नटा चार पास स्लीप है ना ठंड की स्लीप का हूँ चौथे नंबर स्लीप पाई जाएगी उस तो बाद बॉल फिट किया जाएगा जिद बुश लगे तो दसा बॉल के अंदर एक ब्लूट केसिंग बनी हुई है जो वाटर प्रेशर इनक्रीज करने मदद कर रही है इस करके हाई प्रेशर बन जाता है रणजीत साहब स्लीप आ रहे ने स्लीप क्या है ना बच्चा भी उपरे पूरी बिल्कुल इस दे चाबी काट नहीं मैच की तो नहीं है तो चबेले बंदा चाबी लगी ना स्लिप लगी इधर भी चाबी लगनी चाहिए सिर्फ नहीं वो दुआ काटा हम दाईयों के साले यह अम्पेलर फिट किया है हमारे एक शेम्ब्रा किसी नो थोड़ा टच कर रहे किसी नो टच नहीं करनी चाहिए बोल किसी नो टच नहीं करना चाहिए है इस अंदर एक वाशर रखी जाएगी जिसमें स्पेसर कह सकते हैं आप जो थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा दी जाए ये फ्रीली मूव करना चाहिए था। बॉल किस नू टच नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बॉल किस नू खत्म कर देगा है ना उस ना फिर वाटर फ्लो कट जाएगा ये सारे नट बोल्ट टाइट कर दिते जाएंगे नट बोल्टा की वीडियो मैं नहीं पावगा बहुत लंबी हो जाएगी अंडरस्टूड है तुम नट बोल्ट क्रॉस टाइट करने ने फुल टाइट करने ने कोई नट बोल्ट नट लूस नहीं होना चाहिए था। देख चेक कर लें आप इसको एक बार फिर